नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के नागल में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर संगठन का एक विस्तार कार्यक्रम भाटखेड़ी रोड JS रिसोर्ट में आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने अपने संगठन का विस्तार किया। विस्तार के दौरान ओमवीर आर्य उर्फ पिल्लू को प्रदेश उपाध्यक्ष तो उज्ज्वल चौधरी को युवा जिलाध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदास शर्मा द्वारा माला पहनाकर और नियुक्ति पत्र सौंपकर उन्हें शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदास शर्मा ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन संघ वेलफेयर का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमारा तो सरकार से 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि सरकार द्वारा चलाई गई किसान और मजदूरों के हित वाली सभी योजनाएं धरातल पर कम और कागजों में अधिक होती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक किसान मजदूर भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, तो आपकी समस्या को शासन प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा और उनको समाधान की ओर ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अब क्षेत्र के किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए। उसके लिए जहां तक हो सकता है शासन प्रशासन से भिड़ेंगे तो भिड़ना होगा, लेकिन हर स्तर पर किसानों की समस्याएं दूर होंगी। हमारे बीच में है नव निर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी ओमवीर आर्य जी। ओमवीर आर्य जी, आपको संगठन ने जिम्मेदारी दी है, किस प्रकार जिम्मेदारी का आप निर्वहन करेंगे? मुझे संगठन ने जो जिम्मेदारी दी मैं उसको ईमानदारी से निभा करूँगा और किसानों की लड़ाई के लिए हर समय तैयार रहूँगा। आप देख सकते हैं कि जो पदाधिकारी यहाँ पर हैं वो वास्तव में किसानों की लड़ाई यहाँ पर लड़ेंगे। आने वाले समय में किस प्रकार भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर यहाँ नागल क्षेत्र में और जनपद सहारनपुर में किसानों के लिए लड़ाई लड़ेगा, आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल ये लोगों ने यहाँ पर हैं और अपनी कमेटी का उन्होंने विस्तार किया। हलचल इंडिया से हेमंत अरोड़ा हैं, जिन्हें आज शपथ दिलाई गई है। युवा जिला अध्यक्ष, जो युवा कमान जिन्हें भारतीय किसान यूनियन की सौंपी गई। उज्ज्वल जी, स्वागत है आपका चैनल पर। आज आपको जिम्मेदारी दी गई है किसान यूनियन वेलफेयर में, इस प्रकार आप जिम्मेदारी का निर्वहन करें? शासन प्रशासन के अधिकारी आराम से नहीं मान सकते तो फिर हम अपने बड़े पदाधिकारी को सूचित करेंगे। हमारे तो ये वही ऊर्जावान चेहरे हैं जो आगे इस किसान संगठनों को लेकर चलेंगे और किसानों की जो समस्याएं हैं उनको निस्तारण की ओर लेकर चलेंगे। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।